नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 जनवरी। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मैथिली ठाकुर को भारत निर्वाचन आयोग से मिली बड़ी जिम्मेदारी। जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने सुनी 77 लोगों की समस्याएं। बिहार में छोटा उद्योग लगाना अब होगा आसान। आने वाले 2 दिनों तक घने कोहरे में डूबा रह सकता है दिल। भारत और श्रीलंका के खिलाफ T20 में इन खिलाड़ियों के दम पर उतरेगी टीम इंडिया। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मैथिली ठाकुर को भारत निर्वाचन आयोग से मिली बड़ी जिम्मेदारी। लोक गायिका मैथिली ठाकुर को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत मैथिली ठाकुर को बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए संचालित की जाने वाली स्वीप गतिविधियों हेतु राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन बना दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उनके नाम का प्रस्ताव पर भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त हो गया है। यानी कि अब मैथिली ठाकुर राज्य में विभिन्न चुनावों के दौरान मतदाताओं को मतदान देने के जागरूक करेंगी। बता दें कि मैथिली ठाकुर पहले भी बिहार में विभिन्न जन जागरूकता अभियानों की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं। मैथिली ठाकुर बिहार की एक चर्चित लोक गायिका हैं। जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने सुनी 77 लोगों की समस्याएं। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 4 देश रत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित जनता के दरबार में कुल 77 लोगों की समस्याओं को सुना गया। इस दौरान उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मद्य निषेध विभाग, उत्पाद एवं निबंधन विभाग समेत कई विभाग से जुड़ी समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुजफ्फरपुर जिले के आई एक लड़की के द्वारा शिकायत गई थी कि उसके इकलौते भाई की षड्यंत्र के तहत 2 साल पहले हत्या कर दी गई थी, लेकिन अब तक दोषी को गिरफ्तारी नहीं किया गया। बक्सर जिला से एक किसान ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि कर्मनाशा नदी से बालू अवैध उत्खनन पर रोक लगाई जाए, हम लोगों को खेती की जमीन इससे प्रभावित हो रही है। मुख्यमंत्री के समक्ष इस तरह के कई मामले आए जिस पर उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बिहार में 108 सिंचाई परियोजनाओं से इन 8 जिलों को मिलेगा फायदा। बिहार में लोगों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाने को लेकर करीब 29 करोड़ की लागत से जल जीवन हरियाली के तहत 108 सिंचाई परियोजनाओं को ठीक करने के काम की शुरुआत जनवरी 2023 से होने वाली है। बता दें कि इस परियोजना से कुल 8 जिलों को फायदा मिलेगा, जिनमें कैमूर, लखीसराय, नालंदा, नवादा, पटना, सुपौल, गया और मुजफ्फरपुर जिला शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार लघु संसाधन विभाग के द्वारा जल जीवन हरियाली के तहत सिंचाई सुविधाओं में सुधार लाया जा सके इसके लिए अपनी परियोजनाओं की रिपोर्ट मंगवाई गई थी, जिसमें करीब 125 आहर, पइन, चेक डैम, पोखर और वियर की मरम्मत करने की आवश्यकता बताई गई थी। विभाग के द्वारा इन सभी चीजों की मरम्मत के लिए राशि भी जारी कर दी गई है। एम्स ने 88 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भुवनेश्वर ने विभिन्न डिसिप्लिन में सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर के कुल मिलाकर 88 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को रिलेवेंट डिसिप्लिन में MD, MS, TNB, BDS डिग्री पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस के बारे में समस्त जरूरी जानकारी के लिए इसी वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 जनवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट aims.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार में छोटा उद्योग लगाना अब होगा आसान। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यान योजना के तहत बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित छोटे छोटे उद्योग खोलने के लिए राज्य सरकार के द्वारा अगले 3 साल तक अनुदान और वित्तीय सहायता देने के लिए रणनीति बनाई गई है। बता दें कि अब तक इस योजना में 459 करोड़ रूपए की स्वीकृति भी दे दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले यह योजना कृषि विभाग के द्वारा चलाई जाती थी, लेकिन अब यह योजना उद्योग विभाग के द्वारा संचालित की जाएगी। वहीं चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक 191 नई परियोजनाओं के लिए 75 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। इस योजना के तहत प्रमोशन या ब्रांडिंग पर भी काम किया जाता है। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे शेरगढ़ किला के बारे में। शेरगढ़ किला बिहार के रोहतास जिले के पास स्थित है, जिसे बादशाह शेरशाह सूरी ने बनवाया था। कैमूर की पहाड़ियों पर मौजूद इस किले की बनावट दूसरे किलों से बिल्कुल अलग है। यह किला इस तरह से बनाया गया है कि बाहर से यह किला किसी को भी नहीं दिखता। किला 3 तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है, जबकि इसके 1 तरफ दुर्गावती नदी है। इस किले में सैकड़ों सुरंगें और तहखाने हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सुरंगें कहां खुलती है इसके बारे में आज तक किसी को भी पता नहीं है। किले के अंदर जाने के लिए एक सुरंग से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि आपको कुछ समय के लिए इतिहास में होने का अनुभव कराता है। कहते हैं कि अगर इन सुरंगों को बंद कर दिया जाए
है तो किला किसी को दिखाई भी नहीं देगा। बता दें कि यहां पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं है, लोगों को पहाड़ियों पर चढ़ के जाना पड़ता है। बिहार में वस्त्र एवं चर्म उद्योग के लिए 24 लाख वर्ग फीट स्थान उपलब्ध। वैसे लोग जो वस्त्र एवं चर्म उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, ये खबर उनके लिए है। बिहार सरकार के द्वारा प्लग एंड प्ले के तहत वस्त्र एवं चर्म उद्योग से जुड़े निवेशकों व नए उद्यमियों के लिए राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में 24 लाख वर्ग फीट स्थान उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा गया है कि वैसे लोग जो दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं, वे प्लग एंड प्ले सुविधा के तहत अपना निजी कारोबार अपने ही राज्य में शुरू कर सकते हैं। इस तरह वे अपने उद्योग का मालिक बन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस औद्योगिक क्षेत्र में स्थान लेने के लिए किसी प्रकार की जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो वे उद्योग विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। विश्व के सबसे बड़े सीता मंदिर के भूमि पूजन में शामिल होंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। साल 2023 में सीतामढ़ी के बखरी में विश्व के सबसे ऊंची 251 फीट की मंदिर की नींव रखी जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर पुनौरा धाम में मकराना पत्थर से बनने वाली दिव्य सीता उद्भव मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। इस दिशा में प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार मंदिर के भूमि पूजन में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी शामिल हो सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां मंदिरों के चारों ओर 194 फीट की परिधि में उत्कृष्ट मकराना पत्थर का इस्तेमाल कर वास्तुशिल्प के 61 दिव्य मीनारों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वहीं बकरी में सीता माता की 9 विग्रह स्वरूप की 251 फीट की प्रतिमा के निर्माण के लिए 24.39 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। बिहार में बिजली की किल्लत को पूरा कर सकेंगे विभिन्न जिलों के ग्रिड। अब बिहार में बिजली की किल्लत नहीं हो पाएगी। दरअसल बिहार में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए पटना सहित सूबे के तमाम जिलों में निर्बाध व गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिजली ट्रांसमिशन व्यवस्था को मजबूत की जा रही है। इसके तहत सूबे की पीक डिमांड 7521 मेगावाट तक होने की संभावना है। इसी को देखते हुए होल्डिंग कंपनी उसकी पूर्ति के लिए जरूरी 13540 मेगावाट क्षमता से अधिक का ट्रांसमिशन नेटवर्क तैयार कर रही है। इस ट्रांसमिशन नेटवर्क की यह खासियत है कि बड़ी आबादी को रोटेशन पर बिजली की सुविधा मिल सकेगी, लो वोल्टेज से राहत मिलेगी, फॉल्ट की परेशानी दूर होगी और साथ ही पुराने उपकेंद्रों व लाइन पर बोझ का घटाया जा सकेगा। नए साल में बिहार में होगी लाखों नौकरियों की भरमार। बीते दिन बिहार सरकार के मंत्री समीर महासेठ ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि जल्द ही बिहार के लाखों युवाओं को नए साल में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग में बहाली की जाएगी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार के युवा रहे तैयार, आ रही है नौकरियों की भरमार। इसके साथ ही उन्होंने एक तस्वीर लगाई है जिसकी मदद से उन्होंने बताया है कि शिक्षक व अन्य कर्मियों की बहाली 3.85 लाख पदों पर की जाएगी। तो वहीं डॉक्टरों, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी इत्यादि की स्वास्थ्य विभाग में 1.68 लाख पदों को भरा जाएगा। इसके साथ ही गृह विभाग में दरोगा, सिपाही आदि पदों पर लगभग 1 लाख पदों पर बहाली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पटना में उठा सकेंगे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लुत्फ। नए साल के मौके पर पटना वासियों के लिए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की एक बार फिर से शुरुआत कर दी गई है। बता दें कि यह बिहार का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है जिसका नाम MB गंगा विहार है। इसे 5 साल बाद फिर से शुरू कर दिया गया है। मालूम हो कि इस क्रूज के रिपेयरिंग का जिम्मा सरकार के द्वारा संध्या मार्केट कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था, जिन्होंने IIT खड़गपुर के सहयोग से इसका रिपेयरिंग का काम सितंबर महीने में शुरू किया था, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। दरअसल इस क्रूज को बिहार सरकार के द्वारा पूरे 2 करोड़ में खरीदी थी, लेकिन 2017 में यह खराब हो गया था, जिसके बाद इसे ठीक कर एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। बताते चले कि इस जहाज में 75 सीटें हैं। वहीं इसकी शुरुआत होने से गंगा पर्यटन को काफी बढ़ावा मिल सकता है। नवादा में शराब के खिलाफ छापेमारी कर 2 भट्टियों को किया ध्वस्त। बिहार के सारण में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद पुलिस महकमा और उत्पाद विभाग की टीम शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में बीते दिन गुप्त सूचना के आधार पर नवादा के हिसुआ थाना की पुलिस के द्वारा थाना क्षेत्र में तरौनी गाँव के बघाड़ में छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस के द्वारा 25 लीटर शराब जब्त किया गया और साथ ही 2 अवैध रूप से संचालित शराब भट्टी को ध्वस्त भी किया गया। हालांकि छापेमारी के दौरान किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है, क्योंकि वे सभी छापेमारी की सूचना मिलते ही फरार हो चुके थे। थानाध्यक्ष मोहन कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि तरौनी बघाड़ में अवैध रूप से महुआ शराब का निर्माण किया जा रहा है। सूचना मिलते ही हिंथाना के SI ललन कुमार, हिमांशु पप्पू ने पुलिस बल के साथ छापेमारी की, जिसमें 200 लीटर महुआ मौके पर विनष्ट किया गया।
घने कोहरे में डूबा रह सकता है दिन। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में आने वाले 2 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। ऐसे में लोगों को पूरे दिन ठंड का एहसास होगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दक्षिण बिहार, विशेषकर दक्षिण पश्चिम और मध्य बिहार में जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है, जबकि उत्तरी और पूर्वी बिहार में ठंड कुछ कम महसूस होने की संभावना है। IMD के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी बिहार में मौसम असामान्य रह सकता है। शेष बिहार में तापमान सामान्य के करीब ही रहने का पूर्वानुमान है। अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहने की संभावना है। कुर्नी में हार के बाद जदयू में मंथन। कुर्नी में मिली हार के बाद जेडीयू में बदलाव करने को लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं की राय जानने और एक नाम पर सहमति बनाने का टास्क दिया है, जिसका रिपोर्ट समिति 15 दिनों के अंदर राज्य मुख्यालय को सौंप देगी, जिसके बाद राज्य मुख्यालय में किसी भी दिन नए अध्यक्ष का नाम ऐलान कर दिया जाएगा। इस बारे में समिति के अध्यक्ष बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति हारून रशीद ने बताया कि कुर्नी उपचुनाव में पार्टी मामूली वोटों के अंतर से हार गई। इसी को लेकर पार्टी के अंदर हर स्तर पर समीक्षा की जाएगी, ताकि आने वाले दिनों में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहे और संगठन को मजबूत किया जा सके। नए साल में पापा बन सकते हैं तेजस्वी यादव। नए साल में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर बच्चे की खुशियां आ सकती है। दरअसल मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पिता बनने वाले हैं। फिलहाल अभी तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव दिल्ली में डॉक्टरों की देखरेख में है। मिली जानकारी के अनुसार राजश्री मार्च में मां बन सकती है। हालांकि अब तक इस बात को लेकर लालू परिवार के किसी भी सदस्य की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तेजस्वी यादव और राजश्री यादव की शादी 2021 में अचानक दिल्ली में हुई थी। दोनों ने लव मैरिज की थी। हालांकि तेजस्वी के द्वारा शादी का कोई रिसेप्शन नहीं दिया गया था। पटना के तारा मंडल को बनाया जा रहा आधुनिक। बिहार की राजधानी पटना में स्थित तारा मंडल में आधुनिकीकरण का कार्य किया जाएगा, जिससे लोगों को 3D में तारों की दुनिया को करीब से देखने और समझने का मौका मिलेगा। तारा मंडल के आधुनिकीकरण का कार्य करीब 36 करोड़ रुपए की लागत से किया जाना है। बता दें कि तारा मंडल के आधुनिकीकरण में स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी गैलरी भी तैयार की जाएगी। इस गैलरी के निर्माण को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के द्वारा 1 साल का समय दिया गया है। गैलरी में करीब 26 प्रदर्शनों के जरिए विजिटर्स को लाइफ इन स्पेस, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम व एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी विस्तृत जानकारी लोगों को दी जाएगी। इसके निर्माण में करीब 2 करोड़ रुपए लग रहे हैं। बीजेपी ने नीतीश तेजस्वी के खिलाफ खोला मोर्चा। बीते दिन बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ अपना मोर्चा खोला है। उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य में पर्याप्त मात्रा में यूरिया और DAP उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां के किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। कृषि मंत्री को शर्म आनी चाहिए। इसके साथ उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि उन्होंने जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है वह अपर्याप्त है, उन्हें अपनी मॉल की भी जानकारी देनी चाहिए। तेजस्वी यादव को अपनी उस संपत्ति का भी ब्यौरा देना चाहिए जो उन्हें प्रेमचंद गुप्ता से मिली है। उन्होंने अपनी संपत्ति को लेकर जो भी बयान दिया है वह आधी अधूरी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के द्वारा पिछले 4 महीने में जितने भी नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं वे सभी उस समय की है जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी। तेजस्वी यादव की संपत्ति विवाद पर जगदानंद सिंह ने बीजेपी को दिया करारा जवाब। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के द्वारा बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के संपत्ति का ब्यौरा देने पर सवाल खड़ा करने को लेकर बीजेपी को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री के द्वारा संपत्ति का ब्यौरा देने की बात कही गई है, जिसके बाद हर साल जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वह अपनी संपत्ति का ब्यौरा ईमानदार तरीके से दे देते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था केंद्र सरकार क्यों नहीं लागू करती है। उन्होंने कहा कि बिहार में अच्छी व्यवस्था है और जहां तक बीजेपी के नेताओं की बात है तो बीजेपी के नेता अगर बिहार सरकार के किसी मंत्री के संपत्ति के विवरण का बयान देते हैं तो उन्हें अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जो संपत्ति का ब्यौरा मंत्रियों ने दिया है वह जारी की जाती है, और अगर ऐसे में उन्हें कहीं से कोई शक लगता है तो वह कोर्ट में क्यों नहीं जाते। बिहार में जनसभा करने आ रहे सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से बिहार में अपनी जड़ों को मजबूत करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी के तहत बिहार में 5 जनवरी से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में बिहार यात्रा की शुरुआत की जा रही है, लेकिन अब इस यात्रा में न केवल मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे बल्कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल होंगे। इस यात्रा की सबसे खासियत यह है कि खुद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पटना में रैली को
संबोधित करेंगी। वहीं राहुल गांधी समापन यात्रा के दिन बोधगया में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस यात्रा की शुरुआत बिहार के बांका जिले से हो रही है, जो कि भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, आरा, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद होते हुए बोधगया में समाप्त होगी। भारत और श्रीलंका के खिलाफ T20 में दम दिखाने उतरेगी टीम इंडिया। भारत और श्रीलंका के खिलाफ 3 मैच की T20 सीरीज का पहला मैच मंगलवार को यानी कि आज ऐतिहासिक वानखेड़े के मैदान पर खेला जाएगा। यह सीरीज भारतीय युवा टीम के कंधों पर होगी। कप्तान रोहित की अनुपस्थिति में ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग कर सकते हैं। सीरीज में रोहित की जगह पांड्या कप्तान और पहली बार सूर्य कुमार यादव को उप कप्तान बनाया गया है। वहीं चोट लगने की वजह से जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, कप्तान रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी अभी भी टीम से बाहर है। इस सीरीज के लिए केएल राहुल और विराट कोहली को आराम दिया गया है। सलामी बल्लेबाज की जिम्मेदारी का एक छोट हरफन मौला बल्लेबाज ईशान किशन संभालते आएंगे। 3 नंबर पर स्काई बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। वहीं नंबर 4 पर खुद हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल संजू नंबर 5 और दीपक हुड्डा नंबर 6 पर खेल सकते हैं। ऑलराउंडर के तौर पर टीम इंडिया के पास वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल है। तेज गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और हर्षल पटेल की जोड़ी धमाल मचा सकती है। मोदी सरकार के नोटबंदी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया सही। उच्चतम न्यायालय के जस्टिस S.A. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के द्वारा वर्ष 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा 1000 और 500 रुपए के नोटों को बंद करने संबंधी सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले अटॉर्नी जनरल R. वेंकटरमणी, RBI के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदम्बरम तथा श्याम दीवान समेत याचिकाकर्ताओं पर अपना फैसला सुनाते हुए सही ठहराया है। इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत का कहना है कि नोटबंदी से पहले केंद्र और RBI के बीच सलाह मशवरा हुआ था। इस तरह के उपाय को लाने के लिए एक उचित साठगांठ होती है और हम मानते हैं कि नोटबंदी आनुपातिकता के सिद्धांत से प्रभावित नहीं हुई थी। जस्टिस गवई ने कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को सिर्फ इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि प्रस्ताव केंद्र सरकार की ओर से आया था। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में पौष मेला का उद्घाटन 1894 में किया। शांति निकेतन में ब्रह्मचार्य आश्रम 1901 में खुला। अलीगढ़ का एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रूपांतरित हुआ। महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन से 1929 में मिले। टेलीविजन पर पहली बार गुमशुदा लोगों के बारे में सूचना का प्रसारण 1943 में किया गया। देश के पहले मौसम विज्ञान रॉकेट मेनका का 1968 में प्रक्षेपण हुआ। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो और राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। 12वें सार्क सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2004 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस्लामाबाद पहुंचे। सामाजिक कार्यकर्ता, भारत में पहली महिला शिक्षक और मराठी भाषा में पहली महिला कवित्री सावित्रीबाई फूले का 1831 में जन्म हुआ। मशहूर स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस का 1889 में जन्म हुआ। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक चेतन आनंद का 1915 में जन्म हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे बिलों का अपडेट करने के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बिलों को अपडेट करने के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि ग्राहकों को अपने बिलों को अपडेट करने की जरूरत है ताकि कनेक्शन कटने से बचाया जा सके, जो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके किया जा सकता है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है। मिन ऑफ पावर के द्वारा यह नोटिस जारी नहीं किया गया है। अपनी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी साझा करते समय सतर्क रहें। टेलीग्राम का प्रोफाइल पिक्चर और कई सुविधाओं के साथ नया अपडेट लॉन्च। टेलीग्राम मैसेंजर ने अपने एप्लीकेशन के लिए नए ड्राइंग और टेक्स्ट टूल्स, जीरो स्टोरेज यूज, आपके कॉन्टैक्ट्स के लिए एक प्रोफाइल पिक्चर और बहुत सारी सुविधाओं के साथ प्रमुख अपडेट लॉन्च किए हैं। ड्राइंग और टेक्स्ट टूल के भीतर इसने संवेदनशील डेटा को डिटेक्ट करने के लिए एक नया ब्लर टूल पेश किया है और आई ड्रॉपर टूल सहित रंगों को चुनने के 5 उच्च सटीक तरीके शामिल हैं। फोटो या वीडियो में टेक्स्ट जोड़ते समय उपयोगकर्ता अब इसका आकार, फॉन्ट और बैकग्राउंड भी बदल सकते हैं। आयत, वृत्तों, तीरों और चैट बबल्स जैसी आकृतियों को जोड़ने के लिए प्लस बटन पर टैप करना होगा। हिडन मीडिया के साथ अब फोटो को धुंधला करने वाली झिलमिलाती परत के साथ वीडियो और फोटो को भी कवर कर सकते हैं। इसके साथ ही कई अन्य सुविधाएं भी टेलीग्राम के द्वारा उपयोगकर्ता को मुहैया कराई गई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संध्या सिंह, प्रहलाद कुमार, रामदरे सिंह, चिंटू राज, कुश कुमार यादव, दिलीप कुमार, बिट्टू, अमन कुमार महतो, नैन प्रकाश यादव, अनिल गयानिदानी, नन्नू गोलू कुमार, विभा सिंह, रिया राज, नागमणि पासवान, अखिलेश यादव, अमर आजाद,
इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार भारत और श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले 3 T20 मैच में भारतीय टीम की ओर से किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रह सकता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।